हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनब। दोस्तों शांग ची देखा मैं फाइनली कल। यार 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 मैं क्या बताऊँ, क्या मूवी है यार ये। आई मीन माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग यार। वो पहला जो स्टंट होता है, जो एक्शन, इट्स ऑल एक्शन पैक्ड यार। मतलब बच्चों को लेके जाओ, पसंद आएगा ही आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा। ऐसा एक्शन पैक्ड मूवी है, मैजिक वैजिक ये वो जो पहला स्टंट है, वो जो जो रिंग पहनने वाला आदमी है, ये पूरा चाइनीज लोग ही भरा पड़ा है यार। आई मीन चाइनीज लोग ने ऐसा एक फिल्म बनाया जो इतना आकर्षित कर रहा हम सबको। मतलब यार क्या है यार, क्या है ये। मतलब चाइनीज लोग, मतलब एक्टर्स पूरा चाइनीज ही चाइनीज है। बीच में चाइनीज चाइना में भाषण भी होता है, वो जो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इंग्लिश फिल्म में सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए, बीच में चाइनीज झाड़ता रहता है उन लोग। एनीवेज, फॉरगेट दैट, लेट्स टॉक अबाउट द एक्शन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रियली इंप्रेसिव अबाउट शांग-ची। यार सबसे पहला तो वो जो आदमी जो बांगड़ी पहन के घूमता रहता है, उसका और वो जो औरत का मार्शल आर्ट्स ने, डांस मार्शल आर्ट्स आप बोल सकते हो, जो जो शूट करके दिखाया है यार, इट्स डांस एंड इट्स सो वंडरफुल टू सी द वे दे आर मूविंग, द वे दे आर फाइटिंग इन सिंक। इट वॉज ब्रिलियंट टू वॉच यार। बट उसके बाद मेरे लिए तो सबसे फेवरेट सीन तो वो यार बस वाला था यार। अरे क्या स्टंट था यार, क्या कोरियोग्राफी था यार। बस के अंदर जो सीन हो रहा है वो दृश्य देख के तो हैरान परेशान, बस के बाहर जो भी हो रहा है वो देख के हैरान परेशान। मतलब क्या था वो स्टंट यार। इट वॉज सुपर्बली परफॉर्म बाय दैट चाइनीज एक्टर यार। और उसके बाद वो स्टंट, मतलब वो चाइनीज विलन को सब खत्म करने के बाद एक आता है बिल्डर जिसका एक हाथ कटा हुआ है, और उधर से वो स्वॉर्ड निकाल के तलवारबाजी से जिस तरह से तलवार से मार रहा है, ये आदमी बच रहा है, और जो फाइटिंग हो रहा है, जिस तरह से बस टूट रहा है, अरे क्या दिखाया है यार। इट इज सो ग्रिपिंग यार, यू विल नॉट इवन बैट एन आईलिड। दैट इज हाउ ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ्ड एंड एग्जीक्यूटेड एंड एडिटेड एंड शॉट एंड प्रेजेंटेड एंड डायरेक्टेड इट इज यार, दैट सीन। और उसके बाद वो स्काईस्क्रेपर वाला स्क्रीन, बड़ा इमारत पे जो फाइटिंग होता है यार, वो भी कैसा इन लोग ने डिजाइन किया है यार, सुपर्ब अगेन, वेरी वेरी थ्रिलिंग यार। फिर उसके बाद वो मैजिकल लैंड में जाके जो यू नो टाइम पास फाइटिंग होता है, वो ड्रैगन वैगन वाला लास्ट में मेरे को ठीक ठाक ही लगा। कुछ ज्यादा ही फास्ट फास्ट जुब 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 चल रहा था, बहुत फोकस करने में बहुत ये प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा वीडियो गेम जैसा भी लग रहा था, बट ओके यार। क्लाइमैक्स का फाइट ठीक ठाक था, मेरे को पहले वाला फाइट ज्यादा अच्छा लगा, बट स्टिल क्लाइमैक्स वॉज ऑल्सो क्वाइट एंजॉयबल। स्टोरी तो ठीक ठाक ही था, थोड़ा प्रेडिक्टेबल था, लास्ट में मालूम पड़ता है आपको। मैं ठीक है यार, मैं नहीं बताऊंगा, आई एम श्योर अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, बट जिसने नहीं देखा है उनके लिए मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप जाके देखो। प्रेडिक्टेबल, आपको मालूम है लास्ट में क्या होने वाला है, वैसे ही होता है एक्चुअली, बट स्टिल क्वाइट एंजॉयबल सो टू स्पीक। अब दोस्तों एक जो पर्टिकुलर सीन है जिसमें पेड़ वेड़ ऐसा ऐसा हिलता है, जुब 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 वो गाड़ी जा रहा है, उसमें VFX थोड़ा सा गिमिकी लगा, बट अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द फिल्म हैड सुपर वंडरफुल VFX यार। वो चिकन पिक क्या था, वो जीव जंतु जो भी क्रीचर था यार, आई मीन दैट वाज सो क्यूट यार, जो अपना बेन किंग्सली के माणी में बैठ रहा था, लैप में बैठा हुआ था। आई मीन व्हाट डू आई से यार, जस्ट गो एंड सी इट टू एक्सपीरियंस द मैजिक, टू एक्सपीरियंस द फन, टू एक्सपीरियंस द एंटरटेनमेंट। आई मीन वर्ड्स विल नॉट बी इनफ टू डिफाइन हाउ विजुअली एनचैंटिंग एंड डिलाइटफुल शांग-ची इज। आप जाके देखो यार, मजा आ जाएगा आपको। एवरीथिंग इज सुपर, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया एक्शन। एज यूजुअल दिस चाइनीज पीपल आर सो गुड एट एक्शन यार, कि मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं है बोलने के लिए यार। 3.5 स्टार्स ये मेरा रेटिंग इस फिल्म के लिए। आप लोग भी देखें और देखिए जरूर, और देखा है तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा। चलिए मेरे लिए अभी तो टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। टाटा।